नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों तो दोस्तों यार आज हम यार बात करने वाले हैं यार कि पबजी में ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, रैंक पुश या केडी, क्या आपको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए करने की अपना गेम प्ले इंप्रूव करने के लिए, और किस बेसिस पे जो है दूसरे बंदे आपको मतलब जज करते हैं। तो दोस्तों चलिए यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली दो चीज़ें ही मेन होती हैं पबजी में, जब अगर कोई प्लेयर आपके बारे में जज कर रहा है, ठीक है, तो वो दो चीज़ें देखेगा, एक तो आपका केडी और दूसरा जो है वो आपकी लीग देखेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यार कि लीग का आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, आपके ऊपर और मतलब आपकी प्रोफाइल के ऊपर कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों हाँ, लीग का अगर हम कहें तो इफेक्ट तो पड़ता है यार। अभी देखो यार, जैसे कोई बंदा पहली बार मतलब आपके साथ मैच खेला, उसने बाद में आपकी प्रोफाइल देखी, तो यार वो बंदा सबसे पहले यार अगर आपने उसने आपको मतलब आपको उसने दोबारा इन्वाइट भेजनी है, तो वो सबसे पहले बंदा यार आपकी जो है वो रैंक देखेगा कि मतलब आप कौन सी लीग में हो, डायमंड में हो, प्लेटिनम में हो, क्राउन में हो या एस में हो। तो रैंक हाँ यार मैटर करती है, पर यार उससे भी बड़ी चीज़ होती है केडी, क्योंकि यार कई कई बंदे आपने देखे होंगे यार एस पे पहुंचे होते हैं, कॉन्करर भी मतलब काफ़ी हद तक मैंने, पर ये मतलब काफ़ी रेयर केस होते हैं, कॉन्करर में भी जिन बंदों की केडी यार मतलब एक होती है, दो होती है या जीरो पॉइंट कुछ करके होते हैं, क्योंकि एस में तो मैं काफ़ी प्लेयर देख चुका हूँ जिनकी जीरो पॉइंट करके कुछ केडीज होती हैं। तो दोस्तों हाँ यार केडी से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। देखो अगर मेरी मानो तो यार मतलब रैंक पुश किसी फायदे का नहीं होता, मतलब वो आपके गेम प्ले को किसी भी तरह एंगल से इंप्रूव नहीं करने वाला, जबकि यार जो केडी है वो आपका गेम भी इंप्रूव करेगी और गेम के साथ साथ आपकी लीग जो है ऑटोमेटिकली बढ़ाएगी। वो कैसे वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो यार अगर आप कैंपिंग करके रैंक पुश कर भी रहे हो ए मतलब पैराशूट वगैरह के लिए या स्किन वगैरह के लिए किसी गन की, तो वो यार आपके काम नहीं आने वाली, क्योंकि यार कैंपिंग कर रहे हो, दूसरे बंदों से छुप रहे हो, लड़ाई नहीं ले रहे हो, बस लास्ट सर्कल में बस लेटे हुए हो, कोई सामने आ जाता है गलती से उसे मार के एक दो किल ले लेते हो, और फिर अगर आप कहते हो कि आप बंदों को मार रहे हो तो वो सही कहना नहीं होगा यार। पर अगर आप अपनी केडी मतलब बढ़ाना चाहते हो, सही मेंटेन करना चाहते हो, आप हॉट ड्रॉप्स ले रहे हो, हॉट ड्रॉप्स पे लेके उतरते जैसे ही आप उतरे वैसे ही बंदों से फाइट ले रहे हो, गन फाइट्स ले रहे हो, तो यार इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है यार। उसी के साथ साथ जो है आपको पता लगता है आप कितने पानी में हो दूसरे बंदों के मतलब सामने, कितना आप जल्दी अपना क्विक रिएक्शन कर सकते हो, कितनी जल्दी दूसरे बंदे को यार मार सकते हो। और यार मतलब जब आप हॉट ड्रॉप लेते हो तो काफ़ी स्क्वाड्स आती हैं चारों ओर जो है आपको फुटस्टेप सुनाई देते हैं, तो इस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हो ये काफ़ी अच्छा आपको यार हॉट ड्रॉप्स सिखा देते हैं। तो दोस्तों यार हॉट ड्रॉप्स का फायदा तो होता ही है, आपकी केडी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी अगर आप हॉट ड्रॉप्स करोगे। मुझे पता है एकदम अगर कोई बंदा यार पहले कैंपिंग कर रहा है सीधा यार अगर वो ऐसे रैंक पुश करना छोड़ दे और केडी मेंटेन करना शुरू कर दे, उसके लिए मुश्किल होने वाली है यार। एक हफ्ता लगेगा, दो हफ्ता लगेगा, आप मरोगे, ठीक है, हॉट ड्रॉप्स करोगे मरोगे, पर यार तीसरे या चौथे हफ्ते में यार आप देखोगे कि आप में चेंज आया, अब आप जो यार पहले जीरो किल के साथ हॉट ड्रॉप पे मरते थे वो अब आप यार एक या दो किल कर रहे हो उसके बाद मर रहे हो, और मतलब यार ऐसे ही अगर चलता रहा यार तो मतलब अगर हम कहें यार पाँच या छः हफ्ते बाद आप देखोगे यार कि आप पूरी जो एरिया वो क्लियर ही कर पा रहे हो, तो यार इससे क्या होगा यार, जब आप उस पूरे एरिया को क्लियर करोगे एक तो आपको किल मिल जाएंगे, ठीक है, तो किल से क्या होगा यार आपके जो किल पॉइंट्स है वो बढ़ेंगे, केडी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ क्या होगा मतलब आपकी लीग जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि यार आप हॉट ड्रॉप्स लेके अगर बंदों को मार पा रहे हो तो मतलब आपका क्लोज रेंज काफ़ी अच्छा हो चुका है यार। मतलब अगर कोई रश भी कर देता है आप पे तो यार आपको सिचुएशन संभालनी आ जाएगी और आप उन्हें भी जो है ऑपोजिट वाले बंदों को आराम से मार पाओगे, तो यार ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा और मतलब आप आराम से जो है गेम खेल पाओगे और मतलब आपकी केडी तो बढ़ेगी बढ़ेगी और लीग जो है वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे बढ़नी शुरू होगी है। कहां आप पहले जो है कैंपिंग कर करके यार बिना गेम का मजा लिए जो है जाते थे क्राउन में जाते थे एस में जाते थे यार, पर अगर आप ऐसे हॉट ड्रॉप करके खेलोगे तो मेरी मानो यार अगर आप एक बारी सीख जाओगे तीन चार मतलब हफ्ते लगा के आराम से हॉट ड्रॉप करना अपनी स्क्वाड के साथ सीख जाओगे तो यार कोई मुश्किल नहीं है। क्राउन और एस तो यार मैंने काफी बंदे आपने भी देखे होंगे जो क्राउन और एस पे बैठे होते हैं, ठीक है, और उनकी जो केडीज होती हैं तीन की होती है, चार की होती है, पांच की होती है, ठीक है, दस दस की भी कई बंदों की केडीज होती हैं, तो यार वो भी हॉट ड्रॉप ही करते हैं, उनके पास इतने किल ऐसे ही आते हैं, और यार मतलब काफ़ी फायदा होता है ये सब करने से, आपके स्किल जो है टूर्नामेंट के लिए भी काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं अगर आप टूर्नामेंट खेलते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी यार, मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।